नहीं हो गया था हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के संज्ञान में ये बात आई थी, एक गरीब निर्धन का एक रिक्शा था, किसी तरीके से उसने खरीदी थी, उसकी चोरी हो गई है, आज उसकी भुखमरी की स्थिति आ गई है। सो उनको कुछ मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने स्तर से रिक्शा की व्यवस्था की और पुनः उसको रिक्शा का मालिक अभी बनाया गया। और ये खुशी की बात है, आज लोगों को अपने मेहनत से, अपने लोगों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा। आज इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, और आज इन्होंने मुझसे मेरे हाथों से उनको रिक्शा वितरण करा दिया और मैं इसको ये रिक्शा अब इनके सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इस रिक्शा के सहारे इनका घर परिवार सब चलेगा। और बाकी तो मैं चाहूँगा कि रविदास जी से खुद पूछे कि इसका ये क्या अनुभव करते हैं। भाई सरकार ने तो हम लोगों ने कितने पैमाने पर रिक्शे बांटे, हमारे पास तो गरीबों के लिए विशेष तौर पर सरकार संवेदनशील रही है और आगे भी रहेगी। आपके खास करके मैं आपको पहले साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के समस्याओं से हमें अवगत कराते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री इस पर हमेशा जो जैसे झारखंडी जनमानस से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन पर मुख्यमंत्री खुद से संज्ञान लेते हैं। और इस मामले पे मैंने मेरे जानकारी में ये मामला आपके माध्यम से आया और दोनों मामलों में मैंने संज्ञान लिया और 6 घंटे के भीतर, 6 साल से लोग दौड़ रहे थे, 6 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा था, 6 साल से उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, 6 घंटे के अंदर उनका काम हुआ, उन्हें उनका राशन कार्ड बना, उन्हें वृद्धा पेंशन की व्यवस्था हुई, उन्हें चावल मिला दोनों व्यक्तियों को। और ये मामला भी, रिक्शे का मामला भी आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया था, उसी दिन हमने ट्वीट किया था कि मैं बहुत जल्द अपने कोष से रविदास जी के लिए रिक्शा उपलब्ध कराऊंगा। और आज वो दिन आ गया और ऐसे कार्यों से मुझे और हमारी पार्टी के सभी जितने भी नेता, कितने भी कार्यकर्ता हैं, हमें यही सीख मिली है कि गरीबों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। और झारखंड राज्य का निर्माण ही इसीलिए कराया गया है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का। और मैंने ट्वीट में यह भी कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि उनके कर कमलों से रविदास जी को रिक्शा प्राप्त हो। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी अनुरोध को स्वीकार किया है और अपने कर कमलों से इन्हें रिक्शा ही नहीं, 1,000 रुपये भी सौंपे हैं, क्योंकि ताले के अभाव में इनका रिक्शा चोरी हो गया था। और रविदास जी को मैंने आग्रह किया है कि आप ताला खरीद कर और मजबूती से 2-3 ताला लगा कर रखें रिक्शे में, ताकि आगे से ये चोरी ना हो और अपनी जीविकोपार्जन का साधन रिक्शे बनाए। सहारा मिल गया, बाल बच्चा का भी सहारा मिल गया, 2 पैसे कमा के उन लोग को भी खाना पीना चलेगा, एक बूढ़ा बाप है वो भी खिलावे पिलावेंगे, साथ में रहेंगे सर। और अभी बेटी उटी थोड़ा सियाना हुई है, 1-2 साल के बाद सबके शादी उदी कमा कमा के कम बेसी में
लगा।